और भी कृष्ण है? ठीक है गोवर्धन है। और सुना? बढ़िया है। तू सुना? मैं क्या सुनाऊं? क्या आजकल पुराने जमाने को सुना दे कहानी। और की पुराने जमाने की कहानी है? और तो पुराने जमाने की कहानी है कृष्ण है, एक गांव में कोई संत आ गयो। अच्छा पूरा कौन चेड़ो संत? अच्छा आपने पंडित जी पर का? आपने पंडित जी पर का? आपने पंडित जी का मैं बहुत बोलो है बोलो यो दिया ही मैं गांव में बोलो लाग गयो। संत गाना ये 5-10 दिन टी प्यार गांव में देख के बतलाया भाई अपना तो भाग अच्छा। अच्छा तो अपने गांव में संत आयो है। हां अरे गाना अपने गांव में फायदो ही फायदो है। हां भाई जाड़ो खाला तो फायदो और आ तो यहां फायदो और आपने किस्मत अच्छी होगी। हां कोई भरोसा हो यो अच्छा हो गयो। तो ये 15-20 दिन टी प्यार दे बे महाराज वे मन में आगे के चाल आप अपना आश्रम में चला। हां ते महाराज जी गांव मान करके इकट्ठा कर ले भाई मैं तो मेरा आश्रम में जाऊं बे। हां ए मेरी अच्छी सेवा करी है अच्छा मैंने की इनकी दियो है। हां मेरे को तो लियो की कोनी। हां लियो की कोनी मैं जाऊंगी। जो गांव में देख के बोले महाराज जी थाने जान कौन दिया? हां क्यों थारा आनो मारा फायदो हो तो ये फायदो हो तो ए थार कोई चीज की कमी है तो माने बताओ। हां जान कौन जा नारा अच्छी कुटिया बना देंगा और अच्छो दूध दही घी जो चीज कोई चीज की कमी भरन दे कमी थारा रहने माने पुगा देंगा थारा कुटिया 15-20 आदमी में बैठे रहना। महाराज जी देख के बोले ना भाई नेवर रु कौन सका क्यों रमदा जो भी बहंदा पानी एक जगह रुकने से आनी। हां ऐसी तो चलती फिरती रहे ठीक रहे ठीक रहे। तो गांव में देख के बोले ठीक है महाराज जी हरी इच्छी है बाकी कमी तारन कोई रहने कौन दिया। एक गांव में बतराए रहा अपना भाई तो करिए ना संत है अपना कीन कीन तो दिया। हां अब गांव में कह चंदो उगा के दिन 2000 के दिन दे दिया। बोले लियो महाराज जी मारी तरफ में 2000 रुपया लगा दी कोई पुण्य की जगह आपको भंडारा लगा दी सारे। हाँ कोई भंडारा बनो लगा दी क्यों जब महाराज जी देख के बोले अब तो मैं ले जाऊं को नहीं। हाँ मारा कभी कोई भंडारा होने संता हूँ जब दिन मैं ले जाऊं मैं इतने दिन थारा पीछा कर ना रखो क्यों मारने पहले जेड़ा लाग गया लाग गया। तो वामना देख के बोले आपका पीछा ध्यान की नहीं कोई विश्वास आवाज नहीं दिया। एक बूढ़ा देख के बोले भाई आपने सरपंच है विश्वास आना है क्यों आपन विश्वास हो तो आपन सरपंच बनायो निपुत्रो है पीछे की कमी कोनी आ पीछे कोई बैग कोनी तो ये पर आगे देखो मांगा जी मिल जाओगी और मांगा जी ने पीछा मिल जाएगा एक कह 2000 रुपया का सरपंच ने मां दे दिया। अब सरपंच ने मन में बेईमानी आ गई। अच्छा 12 महीना हो गया बड़ा महाराज जी आयो को नहीं। अरे किसा महाराज जी आवे ए रिपे तो आपा जरा दिया भाई किसा महाराज जी आवे रे ठीक को नहीं आपा ही खावांगा। तो सरपंच एक कोटवाल ने बड़ा थाना चुपती फिर रही। मैं देख के बोले भाई मैं कुआं जी तू आवर ली अरे तन रिपड़ा दे क्यों मैं सो ई मैं कोटवाल ने सरपंच की आपसे जच्चे को नहीं ई बस हो गया दो मार की। हां बोल सरपंच किया हुआ वो कभी कोई है मैं महाराज आ गया और वो पीसा मांगे वो और गांव में बैठा करे वो तू नहीं होते भी मेरे थकान सरपंच 2000 रुपया मांगा दिया दिया इतो टपो बने ना की कौन बना। बोले कह दूंगी ये बात होगी पक्की। ये वो 1.5-2 साल बाद में महाराज जी आ गए। आ गए बोले जाओ भी मैं 2000 रुपया दियो हमारा प्लान नहीं भंडारो है भंडारो करा मैं। इबे गांव में इकट्ठा हुए सरपंच ने बुलायो। हां सरपंच ने बोले कोई महाराज जी आ रहे अरे 2000 रुपया दियो सरपंच साहब। हां जब वो सरपंच कहे भाई मैं तो महाराज जी 2000 रुपया दे दिया गए ओ महाराज जी दोबारा भी मांगन ने। हां जब महाराज जी का सरपंच साहब मैंने दे 2000 रुपया कौन दिया भाई कौन दिया बोले दिया क्यों ना फलाना ने 2000 रुपया दिया मैं रातो। हां सारा नहीं देते कोटवाल ने बुलाओ बुलाओ बता देगी। अब गांव में देख के बोले आ बात सही है क्यों कोटवाल नहीं है सरपंच की जचाई कौन बस झूठ कौन बोला बात की बात कहेगी ठीक है। अब क्या मैं कोटवाल नहीं बुला ली बोले आप बोल भाई सरपंच कोई महाराज ने 2000 रुपया दिया गे देख ले दे बोले मैंने मेरे को नहीं दिया कि नहीं दिया मैं तो छाना चुक गई जो सरपंच आपकी गोद में 2000 रुपया काट गए महाराज ने दिया मैं देखता मैंने दिया क्या मैं ध्यान को नहीं बोले ठीक है। गामा देख के बोले महाराज जी पीसो तो सरपंच दे दिया पीसो मान सरपंच झूठो बोल वो 2000 रुपया हाथ रे झूठ बोलो
महाराज जी देख के बोले ठीक है भाई दे दिया तो और ने दे दिया वो। अब के फिर महाराज जी बड़ू चाल उठियो चाल के आप आश्रम में लगा आपको शरीर छोड़ दियो थोड़ा छोड़ दियो थोड़ा छोड़ दियो। इन्हों ने कोटवाड़ी मर गई बड़ा मर गया कोई नाता दूसरे का में कोई जाटे जन्म ले लियो अरे महाराज जी के काम के लिए सरपंच ले लियो जन्म ले लियो सरपंच के लिए सरपंच के जन्म ले लियो सरपंच का हो 20 सालों थोरो छोरो ये सारा गांव में खुशियां मनाई अच्छी मिठाई बांटी गांव का देख के बोले सरपंच आदमी बहुत अच्छा है अरे 2000 रुपया दिया महाराज ने सच्चो आदमी उस भगवान ने ही सुन ली कि 20 साल बाद में छोरो ये छोरो ये कौन है सरपंच ले आ चर्चा होगी इन्हें मैंने कोटवाड़नी जन्म ले लियो दिन दिन बाप बड्डी होने लग गई इन्हें वो सरपंच को छोरो बुढ़ा होने लग गया हो गया दोनों 20-20 साल का। अब क्या सरपंच आप छोरो ब्याह मान दियो ब्याह मान दियो ब्याह कर दियो सोनी दरिया जब वो ब्याह जी घर आयो नहीं घर आता है वो छोरो का तरास खा के पड़ियो पड़ियो जो सारे गांव में गुड़े रखी है बात होगी रखी है बात होगी छोरो ब्याह जी घर ही बढ़िया गए। अब क्या छोरो बीमार रहने लग गयो बीमार रहने लगे तो सरपंच है टीका नहीं लगाना कितना टीका लगा दिया भी कितना टीका लगा उसको मेरे छोरो बचना जरूरी है बचना जरूरी है। अब क्या सरपंच का जमीन ही बस जमीन ही तो सारी बिक गई कई जगह प्लाट आ भाई सरपंच का बिक गया पर लेकिन छोरो ठीक को नहीं है सारो लगा दियो लगा दियो। अब सरपंच ना लोग उधारो देने रह गया उधारो देने रह गया जैसे गांधना भैया मन में होने लग गई क्या भाई वो थोड़ो मर गया नहीं तो ठीक है भगवान संभाल ले तो सरपंच ने तो पुरचू बना लो कर ही दियो तो संभाल ले तो ठीक है। आ चर्चा गांव करे कने सरपंच बैठो सरपंच यह बात कह दी कह भगवान है ये मैं थोड़ा संभाल ले मैं सुखी हो बाकी दुखी बहुत हो रही हूँ। जब वो थोड़े एकदम बैठे हो बोलियो के कहो संभाल ले आप बुकर को 25 रुपया और मांगू जो गांव ना सारा चक्कर में पड़ गया तो बेटा 25 रुपया और मांगे अरे तू 25 रुपया क्या ना मांगा भैया के चमत्कार हो गयो बोलियो सरपंच तू वो ही हो वो कह 2000 रुपया मैं महाराज जी दे दिया गया महाराज जी सरपंच कह किया बोले किया क्यों थे 2000 रुपया महाराज ने उधार के दिया थे झूठ बोल गयो कह मैं 2000 रुपया महाराज ने दे दिया पर कोई महाराज साकी हो मैं 25 रुपया और मांगू 25 रुपया ने प्रसाद डाल दी ये दुना भुगतना पड़ेगा तने आ बैठी बा कोटवाड़नी बागो पकड़िया तू कही नहीं कर मैं देख क्या कर महाराज जी 2000 रुपया दिया बोल दिया पर 100 रुपया में तो डोर मार झूठ बोली ये बात क्या मेरी तो गलती होगी इबना सरपंच का मेरी गलती है बोल गलती होगी नहीं भुगतो ही थे तो तेतरे आपसे नहीं भुगत जाओ थाना जे मेरा सांस साथ छुटाना है नहीं तो 25 रुपया चढ़ा दियो प्रसाद है तू सरपंच तेरी भुगत है जद कह किसी ने कर्म करे नहीं तो अच्छा करना चाहिए माड़ा न करे ईसा कर्म ना करो जो आकर दंड भुगतना पड़ेगा। आ बात है भी किसने किसी कह किसी के लागे किसी ने लेगा तो कमेंट में लिख के बताओगा